नमस्कार दोस्तों, इन हिंदी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब वर्डप्रेस की पोस्ट यूआरएल से index.php को कैसे रिमूव करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर यूआरएल में creditcardmaster.in के सामने index.php लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों जाना होगा आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेटिंग के ऊपर। परमालिंक सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कस्टम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इसको आप पोस्ट नेम पर क्लिक करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। अब देखिए ऐसा करने के बाद अगर आप किसी कैशिंग प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैशिंग क्लियर कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम जैसे ही रिफ्रेश किया तो index.php था जो वो हट चुका है। और अब हम इस फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो वो पोस्ट था वो नज़र आने लग गया है। ये देखिए यहाँ पे जो पोस्ट थे हमारे वो नज़र आने लग गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के परमालिंक से या ये यूं कीजिए कि यूआरएल से index.php को हटा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।